3, 2, 1, action. क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी इस लापरवाही का क्या परिणाम हो सकता है? मैं माफी चाहता हूं चाचा जी, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं बस पानी भरने गया था। और राजा को स्वयं तुम्हें उत्तर देना होगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। राजा जो भी सजा दे मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं इसी के योग्य हूं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर कर सकता हूं। चले जाओ यहां से। जाने से पहले क्या मैं आपका आशीर्वाद ग्रहण कर सकता हूं? ये सही था, इस सीन में ना यही ठहराव चाहिए। सर ने आ रहा है फर्क? डेफिनेटली सर, मुझे तो ये लग रहा था कि मेरी हाई एनर्जी आपके ठहराव के साथ ना कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है ना। हाँ? जवान हो ना, कैमरा ना ऐसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सटल रखोगे ना तो स्क्रीन पे खूब दिखेगा। स्वीट। बट एक्चुअली सर ना मेरा एक प्रॉब्लम है, वो सटलिटी के नाम पे ना कभी कभी मैं अंडर प्ले कर जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो। नहीं सर, मुझे तो बहुत भरोसा है, मगर कास्टिंग वाले जब भी मैं सटल करता हूँ तो कहते हैं कि आंखों में इंटेंशन ही नहीं दिखाई दे रहा। मेरे साथ बहुत बार हो रहा है, डोंट वरी यू विल फाइंड बैलेंस। लंच कर ले, ठंडा हो रहा है। हाँ श्योर सर, अप टू यू। एक्चुअली मेरा भी एक बेटा है। अच्छा? लगभग तुम्हारी उम्र का? हाँ। 26? हाँ। वो 24 का है, उसमें भी तुम्हारी जैसी ना जंपी एनर्जी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सर आई विल हेल्प यू। अरे थैंक यू। वैसे सर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप कितने साल के हो? मुझसे मेरी उम्र पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे क्या लगता है? अरे सर आई हेट दिस गेम, बट चलिए मैं थोड़ा सेफ खेलता हूँ। 45 टू 50 के बीच में। 54। ओह क्लोज ही था मैं फिर तो। और आप कब से ये कर रहे हो? एक्चुअली मैं 25 साल का था जब मुझे एक्टिंग का कीड़ा लग गया। वाओ दैट्स ऑलमोस्ट 30 इयर्स। और आप तब से फिल्मों में काम कर रहे हो? शुरू में तो मैं बहुत थिएटर करता था। अरे सर मैं भी बहुत साल थिएटर किया मैंने। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं यू नो एक्स्ट्रास के रोल में आने लग गया, क्राउड सीन्स वगैरह वगैरह। अरे सर मैं भी, और फिर इतने सालों के बाद ये पहली फिल्म मिली है विद डायलॉग। क्या बात है सर, एकदम से मेरी भी पहली फिल्म। आपकी ये पहली फिल्म है डायलॉग्स के साथ? हाँ। इतने सालों के बाद? नहीं सर सॉरी, आई डिडंट मीन इट दैट वे। इट्स ओके बेटा, एक्चुअली मैं और कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस करता गया। दैट इज रियली कमेंडेबल सर, आई मीन यू कुड हैव इजीली गिवन अप एंड डन समथिंग एल्स। बेटा ये तो है एक्टर की जिंदगी। और देखो इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, प्रोग्रेस तो हुआ है भाई। राजमा ठीक ही है, पापड़ भी नहीं दिए। हाँ बड़ा रियली होप वो हमें जल्दी बुलाएं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। अरे हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। हाँ बट ये सही नहीं है ना, वाई डिड दे हैव टू कॉल अस एट 7 AM? वी कुड हैव कम आराम से। वो प्रॉब्लम होगी, ऐसे थोड़ी ना बिठाएंगे हमको। आप इतने शांत कैसे रह सकते हो? 30 साल। राइट बट दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग यार, बोर हो रहा है। मतलब आपके साथ नहीं बस इन जनरल। यू गेट यूज्ड टू इट बेटा। वो क्या कहते हैं, एक्टर्स आर पेड टू वेट। आई गेस।
अरे यार मम्मी, इवन दिस इज माय जॉब ना, तो अच्छा ओके, आई कॉल यू लेटर, बाय। सॉरी बेटा, वो इसको हेल्प कर दोगे? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, ऑफ कोर्स। वैसे सर, डिड यू एवर डू एनी पार्ट टाइम जॉब्स? शुरू शुरू में एक दो बार किया था, थिएटर में पैसा तो था नहीं। अब भी नहीं है। वो तो अभी नहीं है, ना ही मैं अंबानी का बेटा था तो करना पड़ा। किस तरह के जॉब? एक बड़ी सी बिल्डिंग में गाड़ियां साफ किया करता। नो वे। फिर मुझे लगा कि अगर जॉब करना ही है तो अपनी लाइन में क्यों ना करो। मैंने गाड़ी चलाना सीखा और एक न्यूज कंपनी के लिए वैन चलाया करता। वो जो बड़े से न्यूज वैन होते हैं वो? बिल्कुल वही। कौन सी न्यूज कंपनी? तारा खबर, बंद पड़ गई अब तो। नाम सुने? हाँ, लेकिन सुनने में पेपराची ऐसा लगता है। हैं? पेपराची? अरे मतलब वो लोग जो सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं, उनकी फोटोज खींचते हैं। बिल्कुल वही थी। रियली? मुझे लगा कि इसे बहाने बड़े बड़े एक्टर्स को देखने का मौका मिल जाएगा। ये तो बहुत सही सोचा आपने। उनकी लाइफ अलग ही होती है ना सर। वैसे हमारी लाइफ भी कोई बुरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बस लेकिन कभी कभी थोड़ा डर तो लगता है ना। किस बात का? मतलब मुझे देखिए कोई स्टार वार बनने की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन एक्टिंग करके ढंग से पैसा तो कमा लूँ ना। बेटा कामयाबी उसके हाथ में, तुम बस काम करते रहो। नहीं सर, आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं मानता। भगवान में? हाँ देखिए, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे इस अजीत कुमार की है, he's only been around for 10-15 years and he's already Bollywood's biggest superstar. ना तो talented है, ना फिल्मी खानदान से है। आवाज कितनी बकवास है, बस थोड़ा सा गुड लुकिंग है, उसकी खा रहा है। नहीं बेटा, उसने बहुत मेहनत की है, आज भी करता है। सर मेहनत ना गधा भी करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी तो करते हैं। बात तो तेरी सही है, शायद उसके सर पर भगवान का हाथ होगा। क्या भगवान सर, ये बस किस्मत है और कुछ नहीं, इट्स जस्ट लक। बात तो एक ही है ना, मैं उसे भगवान का हाथ कहता हूं, तुम उसे किस्मत कहते हो, पर बात तो यही है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। That does make sense. तुम बस मेहनत करते रहो, काम करते रहो, तो बाकी सब उसके हाथ, किस्मत पे छोड़ दो। जैसे आज का सीन, जान लगा देना। अरे सर आज तो मैं करने वाला हूँ, आज तो मैं फाड़ दूंगा। इन्फॉर्म यू अंकल, ये आपका सीन आज नहीं हो रहा, कल होएगा। आज के लिए पैकअप है एंड कल 7 AM का कॉल टाइम है। ओके, सी यू टुमारो, बाय। व्हाट द फक मैन, हाउ द हेल कैन दे डू दिस? हमें और कुछ काम नहीं है क्या? अरे काम डाउन। क्या काम डाउन सर, इतना गुस्सा क्यों? डोंट यू सी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट पुशिंग अस अराउंड। तुम ऐसा मत सोचो। तो कैसे सोचूं? तुम्हें एक और दिन का पैसा मिल रहा है, ऐसा सोचो। That's right. एक मिनट, जाने से पहले एक और रिहर्सल कर लें। Let's do it. Order, sir. 3, 2, 1, action.